पर्दे से बड़ा हो जाए और वो राजनीति में उतरे और लाइफ स्टोरी भी फिल्मी बन जाए तो उसे जयललिता कहते हैं। जे जयललिता एन्नुम्नान। तमिलनाडु की अम्मा सुपरस्टार फिल्मों की और राजनीति की। नमस्कार, मैं हूं सचिन। तमिलनाडु में इस वक्त एक सन्नाटा है क्योंकि राज्य की सबसे ताकतवर इंसान जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मुख्यमंत्री जयललिता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। कल जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था, इसके बाद से चेन्नई से लेकर दिल्ली तक हर कोई उनकी सेहत के लिए फिक्रमंद है। आखिर जयललिता में ऐसा क्या है कि उनकी नाजुक तबीयत हर किसी को परेशान कर रही है? हम जयललिता की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। जयललिता की पहली कहानी उनकी फिल्म से लेकर राजनीति में सुपरस्टार होने की है। ये रिपोर्ट देखिए। जे जयललिता एन्नुम्नान। साल 2016 में इतिहास रच गया क्योंकि तीन दशक बाद तमिलनाडु में कोई लगातार दूसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बना। दरअसल साल 2016 में छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले जयललिता सिर्फ एक और राजनेता नहीं, वो राजनीति की ऐसी किरदार रही हैं जिसकी जिंदगी का हर पन्ना 70 mm का पर्दा है। कि जयललिता न सिर्फ MGR की राजनीति की साथी बनी बल्कि उनके बाद तमिलनाडु के राजनीतिक लैंडस्केप में उन्होंने शायद MGR से भी ऊंचा कद बना लिया। ।1982 में जयललिता की राजनीति में एंट्री हुई। MGR उन्हें राजनीति में लेकर आए और वो राजनीति में उनकी सबसे करीबी बन गई और AIADMK की प्रचार सचिव बना दी गई। फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकने वाली जयललिता 1984 में राज्यसभा की सदस्य चुन ली गई। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति किसी की सगी नहीं होती। 1984 के आखिर में जब MG रामचंद्रन बीमार हुए और अमेरिका में अपना इलाज कराने के लिए चले गए तो जयललिता ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हुए तब की केंद्र की राजीव गांधी सरकार और गवर्नर SL खुराना को खुद को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन बीमार MGR को जब जयललिता के इन इरादों का पता लगा तो उन्होंने जयललिता को संसदीय दल के उपनेता के पद से हटवाया। जयललिता और MGR की राजनीति में उठापटक चलती रही। 1986 में तो उन्होंने जयललिता पेरवाई यानी जयललिता कॉन्फ्रेंस नाम का एक संगठन बना डाला। नाराज MGR ने जयललिता को AIADMK के प्रचार सचिव पद से भी हटा दिया। लेकिन तब सब कुछ बदल गया जब 1987 में MGR की मौत हो गई। जयललिता तो एक बार फिर अपने हीरो और अपने नेता के साथ दिखना चाहती थी लेकिन राजनीति कांटों भरी थी। पार्टी में जयललिता के विरोधी MGR की पत्नी जानकी को उनका उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। ये लड़ाई इतनी तीखी थी कि MGR की अंतिम यात्रा में भी जयललिता को MGR के पार्थिव शरीर के दर्शन नहीं करने दिए गए। जयललिता की राजनीति के लिए MGR की मौत के बाद 4 साल बेहद चुनौती भरे रहे लेकिन कांग्रेस के समर्थन से जब 1991 में वो मुख्यमंत्री बनी तो फिर सियासत की एक सुपरस्टार जन्म ले चुकी थी जिसको राजनीति के सब दांव आते थे, जिसके व्यक्तित्व की चमक, जिसका ग्लैमर हर किसी को चारों खाने चित होने को मजबूर करता है।
She was member of Rajya Sabha for 4 years from 1984 to 88. Many do not know that she speaks very good Hindi. And she was a very good attraction for that. Sardar Khushwant Singh, when he was writing a column in Hindustan Times, said that the God's beauty queen sits next to me like that. She described Jayalalitha as a beauty queen. Therefore, there are certain multifaceted aspects. She has a glamour, she has popularity. जयललिता ने कभी कहा था, मेरी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा मेरी माँ से प्रभावित रहा, एक तिहाई हिस्सा MGR से प्रभावित रहा और सिर्फ एक तिहाई हिस्सा मेरा है। लेकिन सोचिए, जयललिता का ये एक तिहाई हिस्सा ही कितना प्रभावी है। 1991 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से चेन्नई की राजनीति उनके नाम के बिना अधूरी रही, तो दिल्ली की राजनीति में भी उनकी धमक को मौके दर मौके महसूस किया जाता रहा। ऐसा नहीं कि 1991 के बाद जयललिता को हार नहीं मिली, वो चुनाव भी हारी, भ्रष्टाचार के आरोपों में कुर्सी गवाई, लेकिन फिनिक्स बनकर हर बार सियासत में उठ खड़ी होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कौन जानता था कि फिल्मों की एक नाजुक हीरोइन राजनीति में आएगी तो इतने सख्त तेवर उसके हो जाएंगे। सच पूछा जाए तो राजनीति को जयललिता ने अपनी शर्तों पर किया। कई बार हार कर भी राजनीति में वो जीतती रही। जयललिता की राजनीति का एक बड़ा पहलू ये भी है कि वो खुद क्वीन ही नहीं, किंग मेकर भी रही। जो जयललिता के व्यक्तित्व का मतलब समझता है, वो जयललिता के सामने लगभग जमीन में बिछ से गए AIADMK के सांसदों, विधायकों और नेताओं को चाटुकार नहीं कहेगा। क्योंकि वो तमिलनाडु की अम्मा रही हैं, मां। जयललिता की असल राजनीति 1991 से शुरू हुई, जब वो तमिलनाडु में पहली बार मुख्यमंत्री बनी। तमिलनाडु में सत्ता की कमान जब उनके हाथ में आई तो वही राजनीति का चेहरा भी बन गई और राजनीति का मुद्दा भी। कहते हैं 1989 में DMK के एक मंत्री ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और तभी से DMK सुप्रीमो करुणानिधि के साथ उनका 36 का आंकड़ा बना। 1990 के दौर में अपने पहले मुख्यमंत्री पद के दौरान वो भी दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह अपना कामकाज देख रही थी, लेकिन उनके सियासी करियर में हिचकोले तब आने लगे जब उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा। 1996 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कराया। उसी साल विधानसभा चुनाव में भी उनकी हार हो गई और उसी साल आयकर विभाग के छापे पड़े और वो पूरे देश में भ्रष्टाचार के आरोपों में सुर्खियों में आ गई। 1996 से जयललिता तमिलनाडु में विपक्ष की नेता थी, तो उधर केंद्र की राजनीति में अटल युग की शुरुआत हो रही थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार संख्या बल पर कमजोर थी, तो ये मौका था जब जयललिता किंग मेकर बनने वाली क्वीन के तौर पर उभर कर आई। जयललिता ने मार्च 1998 में अटल सरकार को समर्थन का पत्र सौंपा, लेकिन इसके लिए खुद अटल बिहारी वाजपेयी को जयललिता को मनाना पड़ा। अटल ने फोन पर बात की और अपने दूत जसवंत सिंह को उनसे मुलाकात के लिए चेन्नई भेजा। 1998 में जयललिता का समर्थन पत्र आने में कई दिन लगे थे, लेकिन जब उन्होंने अटल को समर्थन दिया तो तमिलनाडु की राजनीति को साथ कर दिया। To the delay in sending the letters of support from the AIADMK and its allies to the BJP to form the next government at the center. अटल सरकार को जयललिता के समर्थन की कीमत ही थी राज्य की तत्कालीन करुणानिधि सरकार की बनी। तब की एनडीए सरकार की पार्टनर रहते हुए जयललिता लगातार करुणानिधि सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। Regard to the security of the nation is going from back to us in Tamil Nadu.
And we have constantly been appealing to the center to step in and take appropriate action. We will continue to do so. अटल सरकार के लिए हालात ये हो गए कि कभी जसवंत सिंह तो कभी प्रमोद महाजन तो कभी जॉर्ज फर्नांडिस जयललिता को मनाने के लिए चेन्नई जाते रहे। अटल सरकार के लिए हालात ये हो गए कि कभी जसवंत सिंह तो कभी प्रमोद महाजन तो कभी जॉर्ज फर्नांडिस जयललिता को मनाने के लिए चेन्नई जाते रहे। Told her that there are problems internal intra-party or intra-ministerial and so on and so forth in any government. And when we have a large coalition, if there are issues on which one has to get solutions, then you should not consider that as only your party problems. They are the problems of all of us, and collectively we should decide it. अटल बिहारी वाजपेयी की कोशिश बेकार रही और एक साल एक महीना और 16 दिन बाद जयललिता ने अटल सरकार की बैसाखी छीन ली। I have just handed over a letter to the president communicating the decision of the AIADMK to withdraw support to the government headed by Shri Vajpayee with immediate effect. 1999 में अटल सरकार से समर्थन वापसी के बाद ये वो दौर था जब जयललिता की पार्टी AIADMK और सोनिया की अगुवाई वाली कांग्रेस साथी बन गए थे। 2001 में डीएमके को बुरी तरह रौंदने के बाद जयललिता दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। इस दौर में करुणानिधि की पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते खूब परेशान हुई जयललिता को उनसे बदला लेने का मौका तब मिला जब करुणानिधि फ्लाईओवर घोटाले की वजह से कटघरे में थे। 2001 में जयललिता की पुलिस मीडिया के कैमरों के सामने पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले गई। ये वो दौर था जब उन्होंने शक्तिशाली कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को भी हत्या के एक मामले में गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। यह जयललिता का राजनीतिक दमखम ही था कि 2003 में जब डाक कर्मचारी हड़ताल पर गए तो उन्होंने एक साथ 1,70,000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री पद के इस कार्यकाल के बीच में उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी। ओ पनीर सेल्वम जयललिता की जगह पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन निचली अदालत से राहत के बाद वो उपचुनाव जीतकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2006 का विधानसभा चुनाव जयललिता के खिलाफ नतीजों वाला रहा। जयललिता की राजनीति 2011 तक कांटों भरी रही, लेकिन 2011 में तमिलनाडु की जनता ने एक बार फिर उन्हें गद्दी सौंप दी। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप जयललिता का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। 2014 में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई और एक बार फिर सत्ता की कमान करीबी पनीर सेल्वम को सौंपी गई। लेकिन राजनीति का यह वनवास ज्यादा दिन नहीं रहा। 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को बरी कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ पांचवी बार ली। 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जयललिता का करिश्मा एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोला। वो खुद राजनीति की क्वीन रही और अपनी सियासत को साधते हुए वो किंग मेकर भी बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जब भी जयललिता की बात होगी तो उनके मेंटोर एमजीआर के अलावा एक और नाम हमेशा लिया जाएगा, वो है शशिकला। जयललिता के 3 दशक से ज्यादा लंबे समय से दोस्त। इस अरसे में शशिकला से जयललिता की दूरियां भी बनी, लेकिन लंबे वक्त के लिए नहीं। जयललिता और शशिकला, जिनका रिश्ता खुद जयललिता और शशिकला के अलावा कोई और परिभाषित नहीं कर सकता। जयललिता की पहचान तमिलनाडु की सियासत की अम्मा के तौर पर रही है, तो शशिकला उनके हमराज के तौर पर बीते 35 बरस से हर मोड़ पर उनके साथ दिखी है। 1982 में जब जयललिता ने राजनीति में एंट्री की थी, तब शशिकला के पति आर नटराजन राज्य सरकार में पीआरओ थे, जबकि शशिकला एक वीडियो पार्लर चलाती थी और शादी जैसे निजी आयोजनों में वीडियो शूट कराती थी। उसी दौरान कुडलूर की डीएम वीएस चंद्रलेखा ने जयललिता और शशिकला की मुलाकात कराई, लेकिन कौन जानता था कि ये मुलाकात अपने आप में एक नई स्टोरी बनकर सामने आएगी। एमजीआर की मौत के बाद जब जयललिता एआईएडीएमके में बिल्कुल अलग थलग थी, तो शशिकला का समर्थन ही था
जिसने जयललिता को राजनीति में खुद का मुकाम बनाने का साहस दिया। दोनों के बीच दोस्ती ऐसी परवान चढ़ी कि 1989 में शशिकला चेन्नई में जयललिता के आलिशान पोयस गार्डन वाले घर में साथ आकर रहने लगी। शशिकला आई तो उनकी बहन, बहनोई, बच्चे और 40 नौकर भी जयललिता के घर आ गए। दोस्ती उनकी गाढ़ी हो गई तो जयललिता ने शशिकला के भतीजे वी सुधाकरन को गोद ले लिया। 1995 का वो दौर ऐसा था कि शशिकला को चिन्नम्मा यानी छोटी माँ के तौर पर दर्जा दिया जाने लगा। 1995 में शशिकला के भतीजे सुधाकरन की शादी ही थी जिसने जयललिता को एकदम से सुर्खियों में ला दिया। इस शादी में जयललिता ने 1.5 लाख लोग बुलाए और तब के लिहाज से बेहद बड़ी रकम 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। इस शादी के बाद जयललिता पर पड़ी आयकर विभाग की नजर की वजह से उन्हें सुधाकरन से दूरी तक बनाने को मजबूर होना पड़ा। 1996 में जयललिता ने शशिकला और उनके परिवार को खुद से अलग किया। शशिकला के लिए ये दौर बेहद मुश्किल भरा था। भ्रष्टाचार के एक मामले में शशिकला 1996 में गिरफ्तार कर ली गई। लेकिन जेल से निकलने के बाद शशिकला दोबारा जयललिता का भरोसा जीतने में कामयाब हुई। जयललिता और शशिकला की दोस्ती को लेकर 2000 के दशक में कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन 2011 में जब जयललिता राज्य की मुख्यमंत्री बनी तब अचानक दोस्ती में दरार दिखी और शशिकला और उनके पति को AIADMK की सदस्यता से बेदखल कर दिया गया। बताया जाता है कि जयललिता शशिकला के पार्टी में बढ़ते दखल से नाराज थी, लेकिन 2012 में शशिकला दोबारा जयललिता के साथ थी। AIADMK में उनकी फिर एंट्री हुई। जयललिता का भरोसा जीतने के लिए शशिकला ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों से नाता तक तोड़ दिया। शशिकला और जयललिता दोनों थेवर समुदाय से हैं। शायद ये एक वजह उनके करीब होने की हो सकती है, लेकिन सच मायने में दोनों का तालमेल ही उनके दोस्त होने की वजह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर जुबान पर अब बस यही आरजू है, यही नाम है जया हो। पूरा देश यही चाहता है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनकी हालत बेहद नाजुक है। जयललिता को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बेहतर होने की खबर भी आई थी। उसके बाद लगा कि कमबैक क्वीन वाली इमेज को वो लगातार जी रही हैं। अब लगातार प्रार्थना और दुआएं जारी हैं। जनता के दिलों पर राज करने वाली अम्मा के लिए लोग अब फिर चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश अम्मा के लिए आंसू बहा रहा है। जयललिता की खराब तबीयत से समर्थक सदमे में हैं। तमिलनाडु के साथ साथ पूरे देश में जयललिता के लिए दुआएं हो रही हैं। हर जगह सिर्फ अम्मा की बात हो रही है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक जयललिता की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। अब ऐसा लगता है मानो ये अम्मा की सबसे बड़ी जंग है। तमिलनाडु के मदुरई में जयललिता समर्थकों ने उनकी तस्वीर के साथ जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। अम्मा को रविवार को दिल का दौरा पड़ने की खबर टीवी पर देखकर लोग रोने लगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी लोगों ने मंदिर में जयललिता की सलामती के लिए दुआएं की। तमिलनाडु के बाहर भी अम्मा के लिए प्रार्थना का दौर जारी रहा। मुंबई के धारावी में शक्ति विनायकम मंदिर में जयललिता की तस्वीर के साथ अम्मा के ठीक होने की प्रार्थना की गई। अम्मा की बात करते हुए यहाँ के लोग रोने लगे। अम्मा वंदे, अम्मा एकदम ठीक होने के लिए हम लोग पूजा किए ले। अम्मा एकदम ठीक हो गए, वापस अच्छे से हो गए, वापस तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हो गए। पब्लिक के सेवा करने के लिए हम लोग की उम्मीद है। जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, तो पब्लिक के लिए अच्छा करना चाहिए। मुंबई के धारावी में बड़ी संख्या में तमिलनाडु के लोग रहते हैं। इसे मिनी तमिलनाडु भी कहा जाता है। अम्मा की बीमारी की खबर से यहाँ के लोग भी दुखी हैं। हम आपको बताएं, ये जो इलाका है वो मिनी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है।
यहाँ जो है तमिलनाडु की राज्य तमिलनाडु से आए हुए जो लोग हैं यहाँ ज्यादा है। अम्मा का तबीयत खराब होकर के रात में सुनाई पड़ा, उससे बहुत मुसीबत से रात भर सोया नहीं है। अम्मा जल्दी अच्छा होने के लिए और जल्दी आना चाहिए और हम लोग के लिए बहुत किया है और करेंगे, हम लोग को भरोसा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जललिता के लिए माता वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना की गई। यहाँ उनके ठीक होने के लिए हवन के साथ पूजा भी की गई। इलाहाबाद में तमिलनाडु के लोगों ने अम्मा के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जललिता की सलामती के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। शिवलिंग के पास जललिता की तस्वीर रखकर पूजा की गई। पूरा देश अम्मा के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। दूसरी तरफ चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती जललिता लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है। अपोलो अस्पताल के मुताबिक उसकी भरपूर कोशिशों के बावजूद जललिता की हालत बेहद नाजुक है। उनके लिए लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बिल की सलाह ली गई है। दिल्ली के एम्स से भी डॉक्टर्स की एक टीम को जललिता के इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया है। अपोलो अस्पताल के मुताबिक सीएम जललिता को ईसीएमओ सपोर्ट पर रखा गया है। ईसीएमओ का मतलब है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल बुलेटिन दोनों को देखकर कितनी नाजुक हालत इस वक्त जललिता जी की लग रही है? जी देखिए, उनको एक कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके बाद में एक्मो लाइफ सपोर्ट पे जाना ये दर्शाता है कि कंडीशन उनकी बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि एक्मो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हम मानते हैं जो कि एक टेम्पररी सपोर्ट है फॉर द लंग एंड हार्ट, जिसमें हार्ट एंड लंग को बाईपास कर दिया जाता है। तो इस तरह से हार्ट का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस तरह से एक पंप में लाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम बोलते हैं, और वहाँ से ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर में डाला जाता है। वहाँ से ब्लड में का CO2 निकाल दिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। तो इस तरह से जो शुद्ध ब्लड होता है वो अगेन हार्ट में पंप कर दिया जाता है। तो इस तरह से लंग का जो काम होता है CO2 निकालना ब्लड में से और ऑक्सीजन डालना, ये इस एक्मो सिस्टम में होता है। रविवार शाम जललिता को अपोलो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा। 22 सितंबर को बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद जललिता को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से जललिता की तबीयत में सुधार हो रहा था। 19 नवंबर को जललिता को ICU से हटाकर अलग कमरे में रखा गया था। जिस प्रकार से अपोलो हॉस्पिटल का प्रेस स्टेटमेंट आया, उसके बाद डॉक्टर रिचर्ड बेल का जो स्टेटमेंट देखने को मिला, उससे स्थिति नाजुक ही कह सकते हैं। वेरी क्रिटिकल अपोलो हॉस्पिटल के स्टेटमेंट में था और डॉक्टर रिचर्ड बेल जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सिचुएशन इज वेरी ग्रेव, तो अभी भी जो स्थिति है वो काफी नाजुक बनी हुई है। जीवन के संघर्ष से फिल्मी पर्दे तक और फिल्मों से सियासत तक जयललिता की कहानी एकदम फिल्मी लगती है। कहते हैं ये जयललिता का किस्मत कनेक्शन है। अब यही किस्मत कनेक्शन क्या जिंदगी की सबसे बड़ी जंग में उन्हें जीत दिलाएगा? चेन्नई से प्रसाद भोसेकर, मुंबई से नित्यानंद शर्मा और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो उनका चाहने वाला हर कोई यही मान रहा है, हर कोई यही कह रहा है, जो टैग अम्मा के साथ हमेशा लगा रहा है वो लगा ही रहे। कमबैक क्वीन।